दिया, किसी को जान और माल का खतरा नहीं होता था। शेख क्या कराची में छुट्टियां गुजारने आते थे? ये वो शहर था। और ये अगर कराची के लोगों आप पहले थे, अगर कराची के लोगों आप पहले थे अपने हुकूम के लिए खड़े होते, और जब ये जुल्म होने शुरू हुए आपके यहां माफिया जिन्होंने फटाखोरी शुरू की, हर जगह टैंकर माफिया, पानी है तो उधर करप्शन, आम आदमी के पास पानी नहीं, पैसा है तो पानी। जब पानी नहीं मिला आपको तो क्यों नहीं सड़कों पर निकले, क्यों नहीं आप सड़कों पर निकले? बरतानिया में ये सुने, बरतानिया में जब बरतानिया इराक की जंग में गया 30 लाख लोग सड़कों पर निकले ये कहने के लिए कि हमारी हुकूमत नाइंसाफी कर रही है इराक के लोगों के साथ। ये सुनो, ये होती है जिंदा कौम। मैं सारे पाकिस्तानियों को आज पैगाम देना चाहता हूं, आज से आप अल्लाह के सामने ये वादा करें कि आप कभी भी जुल्म और नाइंसाफी को तस्लीम नहीं करेंगे। साउथ कोरिया में उनके प्रेसिडेंट, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम आया, लाखों लोग सड़कों पे निकले, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं निकाला, आम शहरी सड़कों पे निकले अपने हकूक के लिए। और आखिर में उसके ऊपर केस हुआ, वो आज अदालत में है और उसको अब सजा होगी। ये होती है आवाम की पावर। जब आवाम चुप करके बैठ जाती है जुल्म के सामने, नाइंसाफी के सामने सर झुकाती है, उसकी वो अपने ऊपर मजीद और जुल्म करती है। तो मैं आज आप सबके पास एक ही पैगाम लेके आया हूं कि अब से कराची के लोगों, आपने और मैंने, हमने ये फैसला किया कि हम अब टाइम देंगे इनको, उसके बाद जब भी कराची के लोगों को, और मैं बताने लगा हूं कि आप पानी सबसे पहले, उसके बाद गंदगी, उस